हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राफ्स। तो भाई लोग, ये वीडियो होने वाला स्पेशली तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल एंड सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम लोगों को 10,000 से लेके 40,000 तक जो फोन बढ़िया बेस्ट इन क्लास होंगे उन फोनों के नाम। तो भाई लोग, इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो, दबा के ठोक दो एंड तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अच्छा अच्छा वीडियोस खुद ही देखोगे भाई, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी थोड़ा भला कर दो, वो भी अच्छे डील तो डिजर्व करते हैं ना, तो उनको भी थोड़े अच्छे डील लेने दो। तो कर दिया शेयर, कर दिया लाइक, कर दिया सब्सक्राइब। तो भाई लोग, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, हमारा पहला सेगमेंट है 10,000 के अंदर बेस्ट इन क्लास वाला सेगमेंट। तो भाई, इस सेगमेंट पे दो दावेदार है, एक थोड़ा 10,000 से ज्यादा, एक थोड़ा 10,000 से कम। पहले कम फिर ज्यादा, ठीक है? तो भाई, पहले जो कम है, मतलब जो है 8,999, मतलब भाई 9,000 का जो फोन है, एक रुपया क्या ही कर लोगे, तो 9,000 का ही पकड़ लो। तो 9,000 का जो फोन है वो है और कोई फोन नहीं, पोको की तरफ से आने वाला पोको का M6 Pro। एंड भाई, उसके बारे में क्या ही कहना भाई, जो प्रोसेसर लेके आ रहा है वो तो मतलब बेस्ट इन क्लास ही है। 4th generation 2, जिसका अंतर उसको 5 लाख से भी ज्यादा है। भाई मेरे पास जो फोन है वो Infinix 05G है, भाई आप लोगों को पता ही होगा, वो फोन का अंतर उसको 5,10,000 है। एंड भाई, इस फोन को मैंने 20,000 रुपये में खरीदा था। अभी भाई 10,000 के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा, मतलब इस फोन से भी ज्यादा अंतर उसको है उस फोन का, भाई वो फोन मिल रहा है। तो भाई बेझिझक ले लो, जिनको प्रोसेसर से मैटर है, बट भाई उसका से प्रोसेसर ही अच्छा है, कैमरा वैमरा सब एवरेज, बट भाई तुम्हें सब चाहिए, मतलब सब ही अच्छे चाहिए। तो भाई प्रोसेसर का थोड़ा डाउनग्रेड करते हुए 11,000 के आसपास एक फोन है, जिसका नाम है रेडमी का रेडमी नोट 12 5G, जिसमें तुम्हें मिल रहा है सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले, अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा रैम रोम, भाई ओवरऑल एक फोन अच्छा है, चाहो तो ले सकते हो, जिसको सब चाहिए एंड जिसको सेपर से 5G फोन एंड प्रोसेसर से मतलब है, वो ले सकते हो पोको M6 Pro, ठीक है? तो भाई इसी के साथ हमारा 10,000 वाला सेगमेंट होता है कंप्लीट। तो चले नेक्स्ट सेगमेंट पे तरफ बढ़ते हैं। अगर भाई लोग, तुम लोग का प्राइस है 15,000, भाई लोग तुम लोग लेने वाले हो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डील गरमा गरम, क्योंकि भाई लोग 15,000 में सब मिल रहा है, मतलब जो चाहिए सब। वॉइस कैमरा चाहिए मिलेगा, अच्छा प्रोसेसर चाहिए मिलेगा, रैम रोम भाई क्या कितना चाहिए भाई, 12GB काफी है ना, मिलेगा। बैटरी चाहिए मिलेगा, 6,000 ले लो, ले लिया भाई। डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, 120 रिफ्रेश रेट भी है 128 का। तो भाई लोग सब चीज मिल रहा है, कौन सा कंपनी ये फोन दे सकता है 15,000 के प्राइस रेंज में? भाई एक ही कंपनी है जो सब दे रहा है 15,000 के प्राइस में, वो है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटोरोला G54 5G। अगर तुम्हारा बजट थोड़ा कम है, मतलब 12-13,000, 15,000 की तरफ इंक्रीज करने की जरूरत है, उसका 8128 वाला वेरिएंट ले लो, बेझिझक ले लो, 13,000 में मिल जाएगा, ठीक है? वो ले सकते हो, अच्छा फोन है। बट अगर तुम्हें 12GB रैम चाहिए तो ही भाई 15,000 दो, वरना भाई जो है 8128 वो भी ठीक है, ठीक है? भाई एक ही फोन है 15,000 के अंदर, यही एक फोन है जिसमें सब मिला, तो भाई दूसरे फोन कहाँ ही प्लेस पाएंगे। तो इसी के साथ होता है हमारा 15,000 वाला सेगमेंट खत्म। तो अब आते हैं 20,000 के सेगमेंट पे, जो सबसे कंफ्यूजिंग वाला सेगमेंट। तो भाई लोग, अब है 20,000 वाला सेगमेंट। एंड भाई ये सेगमेंट सबसे ज्यादा दर्दनाक या फिर कह लो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सेगमेंट है, स्पेशली हम लोगों के लिए, जो लोग तुम लोगों के लिए फोन सजेशन देते हैं। क्योंकि भाई लोग, इस सेगमेंट में फोन लॉन्च होते हैं, अच्छे अच्छे फोन लॉन्च होते हैं, सब चीज के साथ भी लॉन्च होते हैं, बट भाई एवरेज, मतलब भाई उतना कुछ खास नहीं, मतलब भाई कुछ फोन होता है ना भाई कैमरा सेंडिंग, बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट प्रोसेसर फोन, बेस्ट डिस्प्ले फोन, मतलब ऐसे नहीं, सब देते एवरेज। भाई इस सेगमेंट पे भाई बहुत खोजबीन थानबीन, बहुत पापड़ बेलने के बाद एक फोन मिल गया, ठीक है? वो फोन सभी चीजें दे रहा है, एवरेज ही है, बट अच्छे तरह से दे रहा है, मतलब भाई दूसरे जो फोन है बीता वो यहाँ पे है, तो भाई वो फोन यहाँ पे मतलब थोड़े अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। उस फोन का नाम है मोटो एज 40 नियो।
S40 नहीं भाई लोग, मोटो S40 नियो, ठीक है ना। तो भाई मोटो S40 नियो जो है वो IP68 की रेटिंग के साथ आ रहा है, अच्छा डिजाइन के साथ आ रहा है, अच्छा कैमरा के साथ भी आ रहा है, अच्छे डिस्प्ले के साथ, मतलब कार्ड डिस्प्ले है तो अच्छा ही है, मतलब 144 रिफ्रेश रेट भी दे रहा है, डिस्प्ले भी बढ़िया है। एंड भाई ओवरऑल कह लो तो ठीक ठाक फोन है भाई, तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो भाई, अच्छा फोन है, ले लो बेझिझक ले लो। अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपये है तो भाई ये फोन ले लो, कार्ड फाड़ ऑफर लगा के थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है, ये फोन ले लो भाई, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा फोन है, सब चीज़ दे रहा है एंड अच्छा है, ठीक है, चाहो तो ये फोन ले सकते हो। तो भाई इसी के साथ होता है हमारा सबसे कंफ्यूजिंग सेगमेंट खत्म, जो है 20,000 वाला सेगमेंट, तो बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ। तो भाई लोग अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कूल सेगमेंट की, जो है 25,000 वाला सेगमेंट। मैंने इसे कूल क्यों कहा, उसका एक कारण है, वो कारण है भाई यहाँ पर फोन ज्यादा ढूंढने नहीं पड़े, क्योंकि भाई एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा प्रोसेसर वाला मतलब वीडियो गेमिंग करना चाहिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक फोन चाहिए जिसमें सब चीज अच्छे होंगे, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर, मतलब अच्छे सब कैमरा वगैरह भी अच्छे होंगे, बट भाई लुक्स क्लियर चाहिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आते कैमरा की तरफ, तो भाई जो फोन बेस्ट नहीं सुपर नहीं बेस्ट इन क्लास कैमरे के साथ आता है वो फोन का नाम है पिक्सल की तरफ आने वाला पिक्सल 6 से, ठीक है ना भाई, इसका कैमरा क्या ही क्यों भाई, हालांकि लेवल का है भाई, डायनामिक एंगल, वाइड एंगल, सेल्फी भाई सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है, बट भाई इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करता है क्या ही क्यों भाई, हालांकि लेवल का है। तो भाई इसका कैमरा के बारे में कुछ कहा जा नहीं सकता, अलग ही लेवल का कैमरा है, तो चाहो तो कैमरा वाला फोन है पिक्सल 6 से ले सकते हो, थोड़े इश्यूज बग्स वग्स है वो पिक्सल ने फिक्स कर दिया है तो ले सकते हो। अब आते हैं गेमिंग वाला सेगमेंट, तो गेमिंग में दो दावेदार है, एक Realme GT Neo 3 जो भाई ऑफर वाला लगा के 25,000 के अंदर मिल सकता है, मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है वो ले सकता हूँ, 8100 के चिपसेट आता है एंड ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, बट भाई उससे थोड़ा बेहतर डील हो सकता है अगर तुम्हारे पास कार्ड फाड़ है तो भाई तुम लोग ले सकते हो IQ के तरफ आने वाला IQ Neo 7, वो एक बढ़िया डील है गेमर्स के लिए बेसिकली भाई, उसमें 8200 का चिपसेट है एंड भाई उसका अंतु स्कोर भाई करीब करीब 1 मिलियन है, मैंने टेस्ट करके भी दिखा था भाई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है भाई गजब का फोन है। एंड अब आते हैं किलर लुक वाला फोन, भाई सबको पता है इस सेगमेंट पे एक ही फोन है जो किलर लुक के साथ आता है, वो है Nothing Phone 1, इसके बारे में कहने की कुछ है नहीं क्योंकि भाई इतना चर्चा वाला फोन के बारे में क्या है क्यों ले सकते हो। तो भाई इसी के साथ होता है हमारा 25,000 वाला सेगमेंट खत्म, तो अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो भाई लोग अब हम लोग जिस सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उस सेगमेंट में फ्लैगशिप फोन को एंट्री मिल चुकी है, फिर कह लो फ्लैगशिप फोनों ने एंट्री मार ली है, उस सेगमेंट का नाम है 30,000 वाला सेगमेंट। एंड इस सेगमेंट में कुछ बढ़िया नहीं कुछ बेस्ट इन क्लास वाले भी फोन है। तो भाई पहला जो फोन है वो स्पेशली सैमसंग लवर्स के लिए एंड वो स्पेशली जिन लोगों को एक ओवरऑल फ्लैगशिप फोन एक्सपीरियंस करना है उन लोगों के लिए। तो भाई तुम्हारे लिए एक फोन है जो सैमसंग की तरफ से आने वाला Samsung S21 FE, भाई रुको एक्सिनोस नहीं मिलेगा यहाँ पे भाई, Snapdragon मिल रहा है 888 वाला प्रोसेसर। तो भाई गेमिंग भी कर सकते हो बट हीट बहुत होता है तो गेमिंग ज्यादा तक नहीं कर सकते, अच्छी तरह से कर सकते हो। तो भाई ये एक अच्छा कैमरा वाला फोन है, एक अच्छा डिस्प्ले वाला फोन है, एक अच्छा पैकेज है 30,000 के अंदर, ये चाहो तो ले सकते हो S21 FE स्नैपड्रैगन वर्जन 888 वाला, ठीक है एक अच्छा फोन है चाहो तो ले सकते हो। अब आते हैं भाई पेड़ गेमर के लिए एक अच्छा वाला फोन, एक नहीं दो है, एक कन्फर्म है भाई 30,000 के अंदर मिलेगा ही मिलेगा एंड भाई एक थोड़ा मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला भाई, अगर तुम लोग ऑनलाइन में नहीं मिला तो ऑफलाइन दुकान में ट्राई करो शायद मिल भी सकता है, क्योंकि भाई कुछ दिनों पहले 30,000 में आया था, मतलब भाई दुकानों में मुझे दुकानों में पर्सनली देखा था, मैंने कुछ दोस्तों ने भी खरीदा था। तो वो दोनों फोन है, पहला फोन है जो भाई 30,000 के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, वो है Realme GT 2 Pro, भाई रियलमी बहुत पावरफुल फोन बना रहा है अभी बट ठीक है, रियलमी के तरफ जाने वाला Realme GT 2 Pro, वो एक अच्छा प्रोसेसर वाला फोन है एंड भाई 8 Gen 1 के साथ आता तो भाई गेमिंग भी पीरो कर सकते हो, बट भाई उससे भी थोड़ा ऊपर जो भाई कुछ अलग ही लेवल का गेमिंग कह सकते हो, जिसमें IQ की तरफ से आने वाला IQ Neo 7 Pro, एंड भाई उसमें अलग ही गेमिंग कर सकते हो। एंड भाई अभी उसका कुछ श्योरिटी मुझे मिला नहीं भाई, वो 30,000 के अंदर आएगा भी या फिर नहीं, अगर आता है तो
खरीद लो, बेच या खरीदो, जो लोग स्पेशली गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए भाई खरीद लो भाई, गेमिंग करते रहोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं तीसरा, ऐसे थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास है 1,500 तो खर्च करो एंड ले लो पिक्सेल का सबसे ज्यादा पावरफुल फोन, सबसे कम प्राइस वाला, ठीक है, वो है पिक्सेल 7 है, जो मिल रहा है 31,500 है, ठीक है भाई। वो फोन अच्छे कैमरास प्रोवाइड करता है, अच्छा प्रोसेसर भी प्रोवाइड करता है, ओवरऑल एक कंप्लीट अच्छा पैकेज है, चाहो तो वो फोन ले सकते हो। तो भाई ये फोन मुझे पर्सनली 30,000 में पसंद है, 31,000 से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं, तो ये फोन मुझे पसंद पसंद आए। तो भाई इसी के साथ होता है हमारा 30,000 वाला सेगमेंट खत्म। अब आते 35,000 वाला सेगमेंट, ये मैं कहता 35,000 वाला सेगमेंट। तो भाई लोग अब बात करते हैं थोड़े से फ्लैगशिप वाले सेगमेंट की, मेरा मतलब है 35,000 वाला सेगमेंट या फिर 35,000 वाला सेगमेंट की। एंड इस सेगमेंट में मुझे पर्सनली एक ही फोन पसंद आया, जिसका नाम है पिक्सेल का तरफ से आने वाला पिक्सेल 7। भाई इस फोन में सारी चीजें फ्लैगशिप लेवल की है, फ्लैगशिप लेवल की कैमरास, डिस्प्ले, प्रोसेसर, भाई सारी चीजें, बट भाई एक चीज फ्लैगशिप लेवल का नहीं है भाई, फ्लैगशिप लेवल है भाई कुछ लेवल का ही नहीं है पिक्सेल के फोनों के। बेसिकली जो सबसे बुरा लगता है मुझे वो है सर्विस सेंटर भाई, नहीं है मतलब भाई थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर, भाई सर्विस सेंटर को देख लेना उसके बाद ही ये फोन लेना, ठीक है। बट भाई जो गेमर्स है भाई उन लोगों के लिए कोई इस सेगमेंट में उतना अच्छा कोई फोन है नहीं, आईकॉन 7 प्रो मैंने बताया था ना वही ले लो, 30,000 में मिले तो ठीक, 35,000 मिले तो भी ठीक ले लो, वो अच्छा गेमिंग करवा सकता है या फिर कह लो बेस्ट इन क्लास गेमिंग तुम्हें करवा सकता है, क्योंकि भाई उस पर हीट प्लस 10 है, तो ठीक है ना। इसी के साथ होता है हमारा 35,000 वाला या फिर 35,000 वाला सेगमेंट खत्म। तो भाई लोग भाई 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 लो फ्लिपकार्ट ने कर क्या दिया भाई 40,000 वाले सेगमेंट के साथ। भाई इस सेगमेंट पे भाई फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा फोन ला दिया जो भाई बेस्ट इन क्लास, छोड़ो भाई अलग ही लेवल, बेस्ट इन क्लास में ऊपर का थोड़ा हो कोई हो सकता है तो वो है भाई ये फोन। मतलब भाई मैं अनुमान कर रहा था ये फोन 45,000 के आसपास आ सकता है, मतलब आ सकता है वो मैं सोच रहा था भाई 60,000 इस प्राइसेस में मिलने वाला फोन फ्लिपकार्ट ने 40,000 के प्राइसेस में ला दिया भाई। इस फोन का नाम है सैमसंग का सैमसंग S22। इस फोन के बारे में बताने का कुछ है नहीं, सैमसंग का S22 फ्लैगशिप नहीं किलर फ्लैगशिप है भाई, जिसके कैमरा भाई नहीं स्पेसिफिकेशन बता के शर्मिंदा क्यों ही करूँ, सैमसंग का एस सीरीज वाला S22 वाला फोन है तो भाई क्या ही कहे ना, आँख नाक मुंह बंद करके ले लो अगर तुम्हारा बजट 40,000 है, नहीं भी है 35 में बढ़ा के ले लो भाई, अमेजिंग डील है ये, छोड़ना मत भाई कुछ भी करो छोड़ना मत भाई, जिनका बजट 30,000 है उनको नॉट रिकमेंडेड, तुम्हारा बजट पे भी अच्छे फोन मैंने बता दिए है वो ले लो, इतना प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। बट भाई किलर फोन है ये सैमसंग S22। एंड भाई इसी के साथ होता है हमारा ये वीडियो खत्म। तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट करो क्या तुमने कौन सा फोन लिया, ठीक है। तो भाई बस हो गया और क्या बताऊँ, बताने का कुछ है नहीं, खत्म वीडियो, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय।